नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ पूजा सचदेवा। दोपहर के 3 बज चुके हैं और अब वक्त हो गया है हमारे खास कार्यक्रम उत्तर मांगे प्रदेश का। यूपी की राजनीति का केंद्र इन दिनों रामचरित मानस बन चुका है। सपा रामचरित मानस की एक चौपाई के बहाने 24 में होने वाले चुनाव में सत्तासीन होने का ख्वाब देख रही है, या फिर यूं कहें कि सपा शूद्रों के सहारे दलितों और पिछड़ों की लामबंदी करने पर जुटी है। कल आया मायावती का ट्वीट भी ये बताता है कि कैसे यूपी में पिछड़ा और अन्य पिछड़ा वर्ग 24 के चुनाव में पार्टियों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। मानस पर घमासान चल रहा है, तो ऐसे में भाजपा भी कहां चुप रहने वाली है। एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश और चाचा शिवपाल यादव को जमकर सुनाया और सीएम योगी ने यह भी कहा कि दोनों ने मिलकर यूपी के युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया। मानस पर जारी सियासी संग्राम, शूद्र वाले बयान पर घमासान, मानस के बहाने योगी गर्जना, चाचा भतीजे पर साधा निशाना, अखिलेश शिवपाल पर प्रचंड प्रहार, यूपी की बर्बादी का बताया जिम्मेदार, बड़े हमले में छिपा 24 का संदेश। उत्तर मांगे प्रदेश। तो चलिए आपको बताते हैं कि अखिलेश और शिवपाल पर सीएम योगी ने क्या कहा। सीएम योगी ने एक इंटरव्यू में कहा कि लूट में अखिलेश शिवपाल हमेशा साथ रहे हैं, प्रदेश को बर्बाद करने में एक साथ थे, दोनों ने मिलकर यूपी के युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। बेचारे शिवपाल को जब सम्मान नहीं मिलता तो कोप भवन में चले जाते हैं और शिवपाल जब अपमानित होते हैं तो फिर से वो वापस आ जाते हैं। शिवपाल बार बार अपमानित होते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात का जिक्र किया और कहा कि जब शिवपाल अपमानित होते हैं तो फिर से वापस आ जाते हैं, और इसी के साथ ये भी कहा कि जब सम्मान नहीं मिलता तो कोप भवन में चले जाते हैं। ये बड़ा आरोप लगाया है कि अखिलेश और शिवपाल दोनों ने मिलकर यूपी के युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। कहा कि ये दोनों एक साथ थे हमेशा से प्रदेश को बर्बाद करने में। ये देखिए बड़ी बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक इंटरव्यू के दौरान कही गई। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और सबसे पहले इस वक्त हमें ज्वाइन किया बाबूराम निषाद जी ने, राज्यसभा से सांसद हैं भाजपा से। बाबूराम निषाद जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। सबसे पहले तो मेरा सवाल सीधा यही रहेगा कि क्या लग रहा है कि ये जो लड़ाई शुरू हुई है ये खत्म होगी, और खत्म होगी तो कब होगी? कम से कम 2024 से पहले तो नहीं लग रहा कि खत्म होने का नाम लेगी लड़ाई। पूजा जी, इनके लिए कुछ बचा नहीं है, क्योंकि 4 बार ये समाजवादी पार्टी की सरकार में रही है और 4 बार रहकर इन्होंने प्रदेश में विकास नहीं विनाश किया है। जातवाद, तुष्टिकरण, खनिज घोटाला हो, नौकरियों में लूट हो, गरीबों की जमीनों में कब्जे हो, गुंडे माफिया बदमाशों को बढ़ावा देना हो, गरीब की जो हालत थी वो प्रदेश में बस से बदतर इनके कालखंड में रही। अखिलेश यादव के समय पूरे उत्तर प्रदेश में खनन घोटाला चल रहा था, बेचारे गायत्री प्रजापति हिस्सा बांटकर कई जगह भेजते थे, लेकिन आज वो जेल में हैं और ये मजे ले रहे हैं। मैंने पूरे उत्तर प्रदेश में एनजीटी को इग्नोर कर बगैर पट्टों के नदियों को खोदा गया, नदियों से बालू मोरम निकाली गई और अकूत संपदा इन्होंने लूटकर अपने अपने घरों में रखी। सीधा सा उदाहरण हम सबके सामने है, समाजवादी पार्टी कार्यालय के आसपास बंगले बन गए हैं, गरीबों के मकान नहीं बनाए, गरीबों को बिजली नहीं दी, गरीबों को राशन नहीं दिया, गरीबों को पट्टे नहीं दिए, गरीबों को रोजी रोजगार नहीं दिया, सभी मजरे पूर्वों में बिजली भेजनी थी वो बिजली नहीं दी, पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ था, बिजली संकट रहा 5 साल। आप ही के सवाल को लेकर मैं जाऊंगी, हमारे दो और मेहमानों ने ज्वाइन किया है।
बाबूराम निषाद जी वापस से आपके पास लौटते हूँ। सुनील सिंह साजन जी हैं सपा से प्रवक्ता, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। अरुण राजभर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, सुबह सपा से नेता है। सुनील जी मेरा अगला सवाल आपसे है, एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, अब तो पोस्टर्स आप लोग लगा रहे हैं, ये लड़ाई कब खत्म होगी आप ये बताइए, और क्या कोई और मुद्दा अब नहीं बाकी रह गया? यूपी की राजनीति में विकास को लेकर आप बात नहीं करते, आप बात नहीं करते हैं रोजगार को लेकर, आप लगातार रामचरितमानस के मुद्दे को लेकर विवाद कर रहे हैं, एक के बाद एक ट्वीट आप किए जा रहे हैं। देखिए अच्छा सवाल आपने किया, अब विकास की बात तो उससे की जाए ना जिसे विकास समझ आता हो। दूसरी बार की सरकार है, क्या उत्तर प्रदेश में काम किया है? इतने आरोप अभी सांसद जी लगा रहे थे भाजपा की तरफ से। उत्तर प्रदेश में सबसे शानदार एक्सप्रेसवे किसने बनाया? उत्तर प्रदेश में 19 लाख लैपटॉप किसने बांटे? उत्तर प्रदेश में आईटी हब लखनऊ को किसने दिया? कैंसर इंस्टीट्यूट किसने दिया? इंटरनेशनल स्टेडियम किसने दिया? रिवर फ्रंट किसने दी? 57 जिलों को 4 लेन किसने दिया? आपने दिया है। भजन करने वाले, घंटी बजाने वाले, कीर्तन करने वाले लोगों से आप उम्मीद कर रही हैं कि हम डेवलपमेंट की बात करेंगे। लेकिन आप तो विपक्ष में है ना, विपक्ष का काम होता है कि आप लोग विकास के मुद्दे उठाइए, आप लोग जनता की बात रखिए। अगर आप लोग यही धर्म जाति के मुद्दे उठाएंगे तो विकास की बात करेगा कौन? आप अब बोल रहे हैं कि बीजेपी ने क्या किया, ये सवाल आप क्यों नहीं पूछते हैं? पिछले 11 दिन से सपा की तरफ से कौन से मुद्दे उठाए गए आप खुद जानते हैं, एक ही मुद्दा रामचरितमानस। अच्छा एक चीज बताइए, आपने कभी भारतीय जनता पार्टी से पूछा आप धर्म की बात क्यों करते हैं? बिल्कुल पूछा। क्यों? अगर सुनील जी बिल्कुल पूछा, बिल्कुल पूछा। अरे सुन लीजिए भाई, देखो हम तो बीच में नहीं बोलते, आप सवाल कर लो, हमसे बात कर लो। हम कह रहे हैं अगर रामचरितमानस में हमारी आस्था है, लेकिन अगर रामचरितमानस में कोई ऐसी पंक्तियां लिखी हैं जिससे हिंदू धर्म का एक बड़ा तबका आहत होता है तो कोई नहीं हट जानी चाहिए? आप महिला होकर के अगर महिलाओं का अपमान, हिंदू धर्म का तबका आहत होता है या फिर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लोग आहत होते हैं, ये भी एक सवाल है। मैं लौट रही हूँ आपके पास अरुण राजभर जी से, एक मेरा एक सवाल है। अरुण जी आप ये बताइए, एक तरफ हम देखते हैं हिंदू कार्ड खेला जाता है, एक तरफ हम देखते हैं जाति का झंडा लहराया जा रहा है, इन सबके बीच सुबह सपा का क्या स्टैंड है, कहाँ पर है सुबह सपा? देश संविधान से चल रहा है और देश में संविधान ने सभी जाति धर्म मजहबों को, ये पंथ निरपेक्ष देश है, इसमें हर वर्गों को बराबरी का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। जिस तरीके से अपमानित करने के लिए तमाम उपेक्षित वर्गों को बाबा साहब ने शूद्र जैसी शब्दों को हटा करके उसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी और सामान्य जैसी जाति बना करके उन्होंने संविधान प्रस्तुत किया और पूरे देश में सबको बराबरी का अधिकार दिया। बराबरी का अधिकार जब सत्ता पाने वाले लोग होते हैं, जिनको सत्ता मिली है, जितने उपेक्षित वर्ग हैं आज भी उनके बेटा बेटी सिपाही दरोगा बाबू चपरासी लेखपाल नहीं बन पा रहे हैं, उनको अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। आज भी गाँव में अब जाकर देखिएगा तो आज भी बिजली के बिल से बहुत सारे लोग, गाँव के लोग परेशान है। लेकिन हमको सरकार से सवाल इन मुद्दों पर करने की बजाय, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, जातिवाद जनगणना का मुद्दा हो, सामाजिक न्याय, समय तो बात बार कह रहा हूँ कि सत्ता पाने वाले लोग अगर आज उम्मीद लगा रहे हैं कि मैं अपने पिछड़ों का अपने पास दोस्त बना लूंगा, अपने पास बुला लूंगा, तो सत्ता मिलने के बाद आपने अति पिछड़ों को सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट लागू करके अगर इनकी भागीदारी सुनिश्चित कर दिया होता तो इलाहाबाद हाईकोर्ट को 3 अक्टूबर 2013 को यह कहना नहीं पड़ता कि ग्रुप ए बी सी डी में अकेले 12 जातियां आरक्षण का लाभ उठाई है, अकेले इनकी भागीदारी मिली है हर क्षेत्रों में, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र, हर क्षेत्रों में इनकी भागीदारी मिली है। अगर ये इन वर्गों का सशक्तिकरण किया गया होता, चाहे भाजपा की सरकार की होती, चाहे सपा की सरकार की होती, बसपा की सरकार की होती, तो आज ये रामचरितमानस का अलाव हम लोग नहीं रखते, आज हम शूद्र की चर्चा नहीं करते, आज हम विकास की चर्चा करते, उन उपेक्षित वर्गों को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए। ये बात महत्वपूर्ण है कि इस वक्त पर जब ये चर्चा होनी चाहिए, कितने स्कूल बने, कितने हॉस्पिटल्स खुले हैं, कितना विकास हुआ है, लोगों का कितना उत्थान हुआ है, इन सब पर चर्चा करने के बजाय चर्चा का मुद्दा बन गया रामचरित मानस। बाबूराम निषाद जी आप एक बात का जवाब दीजिएगा, क्योंकि आप पर लगातार ये आरोप लगते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी हिंदू कार्ड खेलती है तब तो ठीक है, लेकिन अगर सपा जाति का ये मुद्दा उठा रही है तब आप लोगों को तकलीफ होने लगती है, तब वो सब गलत हो जाता है। भाजपा हिंदू कार्ड नहीं खेलती है, भाजपा सुशासन और गरीब का कार्ड खेलती है, गरीबों की सेवा का जो लक्ष्य है हमारा
उस तक हम पहुंच चुके हैं, उसी का परिणाम है ना उत्तर प्रदेश में कि हम दोबारा सत्ता में आए हैं, योगी जी की नेतृत्व में सरकार बनी है, जनता ने मोहर लगाई है ना। और रही बात रामचरित मानस पर, अगर किसी चौपाई पर इनको आपत्ति थी और है तो हमारे साधु संन्यासी कह रहे हैं आइए, समाजवादी पार्टी के साजन जी को मैं, माननीय अखिलेश जी को, स्वामी प्रसाद जी को कहता हूँ कि पूरी पार्टी साधु संन्यासियों के साथ बैठे रामायण लेकर, और साधु संन्यासी उसका जवाब देंगे कि गलत क्या है सही क्या है। और ये जब पूरे परिवार के लोग रामायण को मानते हैं और इनकी फैमिली भी मानती है, अभी तक प्रश्न उस चौपाई पर नहीं उठा, लेकिन अब जब कुछ बचा नहीं है इनके पास, कोई आधार नहीं है, जनता भी इनसे विमुख हो चुकी है, अलग हो चुकी है, तो इनको लगता है कि शूद्र शूद्र करके कहीं ना कहीं हम आधार लेकर जनता के साथ में खड़े हों। अरे जमाने चले गए, अब जमाने विकास के हैं, ऊंच नीच पिछड़ा का जो भेदभाव हिंदू जनमानस के बीच में था वो खत्म हो गया है, सुशासन है, कानून का राज है, सबको न्याय मिल रहा है, गरीबों को घर मिल रहा है, गरीबों को शौचालय मिल रहा है, नल से जल योजना के तहत मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया और इस पूरे मसले को लेकर एक पहला बयान जो योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से दिया गया वो ये है कि समाजवादी पार्टी ने, बाबूराम निशा जी लौट रही हूँ आपके पास, कि समाजवादी पार्टी ने संकट खड़ा कर दिया पहचान का युवाओं के सामने। अब जब आप लोग सत्ता में नहीं है सुनील जी, तो क्या चर्चा में बने रहने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, ये आरोप आप पर लग रहे हैं? नहीं, मुझे अच्छा लगेगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी डेवलपमेंट पे बात करें तो अच्छी बात है ना। देखिए तो कह रहे हैं कि हमने विकास किया भारतीय जनता। हाँ हाँ, तो मैं ये मुझसे बेहतर आपको पूछना चाहिए कि आप लखनऊ की राजधानी में एक काम के अच्छे साल का योगी जी का गिना सकती है, हमको दिखा सकती है? सुनील जी, जो कार्यक्रम होने जा रहा है, समाजवादी पार्टी ने जो ये मुद्दा उठाया है रामचरितमानस का, इसको लेकर के लगातार हम डिबेट कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने कोई और मुद्दा छोड़ा क्या? आप लोग विकास की बात करने दे रहे हैं क्या? नहीं, हम कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी से पूछो कि एक काम छह साल में किया है क्या, एक काम गिना दे लखनऊ में, है गिनाने की हिम्मत? क्योंकि फिर तो धर्म की बात करने लगेंगे। और अगर कहीं पिछड़ों का अपमान हो रहा है, अभी मैं सांसद जी को सुन रहा था, इन्होंने कहा था सारा लूट लिया है। अरे लूट लिया तो आपकी सरकार जांच करा, ये भेजिए, घंटी बजा रहे हैं क्या, क्या कर रहे हैं? अगर कहीं घोटाला हुआ है, जांच चल रही है, खनिज को, खनिज में जो घोटाला हुआ है ना उसकी जांच चल रही है, अरे जांच चल रही है, जो सीबीआई जांच कर रही है, ठीक है, जो घोटाले हुए ना, ऐसा है ना, मैं गृह जनपद हमीरपुर बुंदेलखंड का रहने वाला हूँ, कैसे लूटा गया है, कैसे बेतवा को, बुंदेलखंड का एक काम गिना दो जरा, छह साल में एक काम गिना दो, और बुंदेलखंड में लगातार पिछड़े दलितों के विकास की होंगे, आप हाथ रहे ना, विकास की बात आप कर रहे हैं ना, विकास की बात करना आपको अच्छा नहीं लगता है, शोभा नहीं देता है, विकास भारतीय जनता पार्टी पिछड़े और सरकार कर रही है, विकास और योगी के राज में हो रहा है, योगी जी के राज में हो रहा है, एक्सप्रेस वे हो या मेट्रो कॉलेज हो या रोड का निर्माण हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो, पूर्वांचल, ठीक है बाबूराम निषाद जी, सुनील जी, जब अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि रामचरित मानस के अलावा कोई और मुद्दा क्यों नहीं है बात करने के लिए, तब आप लोग अब विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर आप लोग पोस्टर्स लगाते हैं, आप लोग ट्वीट करते हैं रामचरित मानस को लेकर, विकास के सवाल पूछे कहाँ जाते हैं, कहाँ विकास को लेकर सवाल पूछे जाते हैं सर? ठीक है, मैं दोनों के पास लौट रही हूँ, ठीक है बाबूराम निषाद जी, सुनील जी, मैं दोनों के पास वापस लौटूंगी, एक रिएक्शन ले लेते हैं अरुण राजभर जी का, मैं दोनों के पास आ रही हूँ सर, एक एक करके प्लीज, सर प्लीज एक एक करके, सर एक एक करके प्लीज, अरुण राजभर जी के पास मैं जाऊंगी, अरुण राजभर जी एक सवाल का जवाब दीजिए, बाबूराम जी, सुनील जी, प्लीज प्लीज अपनी बारी का इंतजार कीजिए, अपनी बारी का इंतजार कीजिए, अरुण जी आपने जब अपने वक्तव्य की शुरुआत की आपने ये कहा
कि शूद्र नहीं कहना चाहिए, एससी एसटी ओबीसी का जिक्र है, इसको ये कहकर संबोधित किया जाना चाहिए, और ये मायावती की तरफ से भी ट्वीट किया गया था। तो क्या हम ये माने कि आप मायावती ने जो स्टैंड लिया इस पूरे मुद्दे को लेकर, क्या आप उसका समर्थन करते हैं अरुण राजभर जी? देखिए, अगर इनके बयान को इस तरह से देखा जाए तो जो लोग इस बात को कह रहे हैं उन्हीं के नाम के आगे इसको अगर जोड़ दिया जाए ना तो मुकदमा हो जाएगा, जेल चले जाएंगे। संविधान में किसी को ये कहने का अधिकार नहीं है कि आप अपने नाम के आगे ये जोड़ लीजिए या आप ये लोग हैं। संविधान हमें इजाजत नहीं देता है, संविधान में चार ही जाति बनाई गई है। और सवाल जब विकास की हो रही है, समाजवादी पार्टी को मौका मिला, उन्होंने विकास किया, उसके बाद जनता को विकास गिना नहीं पाया, जनता ने नकार दिया। बसपा को मौका मिला, उन्होंने भी विकास किया, उनको भी जनता के बीच में जाना पड़ा, जनता ने फिर उनके विकास को नकार दिया। बीजेपी को मौका मिला, वो भी विकास को लेकर के चर्चा किए, जनता के बीच में गए, उनको समर्थन मिला, दोबारा समर्थन मिल गया। तो कहीं ना कहीं जिनको भी मौका मिला है जनता के हित में ही काम किए, कोई भी बजट बनती है तो जनता के हित में। लेकिन आज तक मैं सभी राजनीतिक दलों से ये पूछना चाहता हूं कि आज भी गरीब के बच्चों को अच्छी शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई? आज भी टेबल बेंच ब्लैकबोर्ड अच्छे टीचर की व्यवस्था सरकारी स्कूल में क्यों नहीं हो पा रही है? प्राइवेट स्कूल महंगे फीस लेते जा रहे हैं, उनको अच्छी कापी किताब की जो है रेट बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह सरकारी स्कूल है उस तरह प्राइवेट स्कूल की व्यवस्थाएं बदली नजर आ रही है, सरकारी बदहाल होती जा रही है। तो उसकी व्यवस्था सुधार करने के लिए जो विपक्षी बड़ी पार्टियां होती हैं, अगर इनको मुद्दा बनाते तो स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी भी उस मुद्दे का समर्थन करती। बात वही अरुण राजभर जी, विकास का मुद्दा ही तो नहीं उठाया जा रहा, उसके अलावा हर मुद्दे को लेकर बहस हम देखते हैं, लेकिन विकास का मुद्दा कोई नहीं उठाता है। सुनील जी, एक सवाल मेरा आपसे, ठीक है अरुण जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास, मैं लौटूंगी अब आपके पास। मुद्दा पर चर्चा करके आप वोट लेना चाहेंगे तो जनता वोट नहीं दे रही है इनको, ठीक है इनके कार्यकर्ता तो क्या जनता ये नहीं समझ रही है? अरुण राजभर जी, सवाल ये भी है तो जनता ये भी तो देख रही है ना, आप धर्म और जाति के नाम पर अगर हिंसा फैलाने के इस तरीके से करेंगे तो क्या जनता ये नहीं समझ रही? जनता बहुत समझदार है, सब समझती है। सुनील जी, आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, आप संविधान को मानते हैं, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, आप संविधान को मानते हैं? सबसे पवित्र ग्रंथ मानते हैं। ठीक है अब मेरा सवाल सुनिए आप, सुनील जी प्लीज, आप संविधान को मानते हैं तो संविधान के हिसाब से हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी है। अगर आप किसी भी पाठ्यक्रम से, किसी भी काव्य से अगर आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं, ठीक है आप मत रखिए, लेकिन ये कह देना कि आप उसकी चौपाइयों को हटा दीजिए, क्या ये आस्था का विरोध नहीं है उन लाखों करोड़ों हिंदुओं की जो इसको लेकर लगातार आपका विरोध कर रहे हैं? अगर आप संविधान को मानते हैं तो क्या ये विरोध नहीं है संविधान का, बताइए? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम केवल ये जानना चाहते हैं कि रामचरितमानस इस देश में महत्वपूर्ण है या बाबा साहब का लिखा संविधान? मैं आप बता दीजिए दोनों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? संविधान के पहले पृष्ठ पर किसका जिक्र है सुनील जी, बताइए जरा। नहीं, वो भगवान राम का जिक्र है, बिल्कुल अलग अलग आस्था है, लेकिन संविधान में जो आस्था बतानी चाहिए, जिन अति पिछड़े दलित आदिवासियों को संविधान के प्रति आस्था जताना चाहिए, आप चौपाई के माध्यम से उनकी आस्था बता रहे हैं। किसी समाज को आहत नहीं हो रही है, किसी धर्म को आहत नहीं हो रही है, आहत वोट का हो रहा है, समाजवादी पार्टी को वोट नहीं मिल रही है, और ये भड़का करके, नफरत फैला करके, वैमनस्यता पैदा करके उन जातियों को उग्र बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो जातियां उग्र होने को तैयार नहीं है, क्योंकि आप उनके मुद्दे, लेकिन ये वोटों का पोलराइजेशन करके इस तरीके की राजनीति करना ये कितना सही है, कितना गलत है, ये जनता बखूबी समझती है, और जनता अपने आप इसका जवाब। रामचरितमानस पर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और इसी पर लगातार हम चर्चा करें। तीन खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बाबूराम निषाद जी, सवाल मेरा आपसे रहेगा, आपको नहीं लगता कि जो राजनीति का असल मकसद है उससे कहीं ना कहीं विचलित हो रहे हैं? क्योंकि जो मकसद होना चाहिए, जिस मुद्दे पर बात होनी चाहिए, उस पर बात नहीं होती है, क्या मानते हैं आप ये हिंसा फैलाने की तो कोशिश है ना? अगर आप किसी को ऊपर या किसी को नीचे क्यों दिखाना है, सबको साथ लेकर के नहीं चला जा सकता क्या? बहन जी, ये जब विकास के बारे में चर्चा करेंगे तो भाजपा की सरकार के द्वारा, सरकारों के द्वारा किया हुआ विकास, आजादी के बाद पहली बार गांव तक बिजली, गांव तक सड़क, गांव तक पानी, गांव से नल से जल पानी, किसान सम्मान निधि, गरीबों को गैस का कनेक्शन, और 80 करोड़ लोगों को अन्न उपलब्ध कराना, जो हमेशा गरीबी का नारा देते थे,
और गरीबी मिटानी कैसे है उसका उपाय नहीं करते थे, लेकिन आदरणीय मोदी जी ने और हमारे प्रदेश की सरकार योगी जी ने मनी उत्तर प्रदेश के अंदर सुशासन और कानून का राज आम जनता को दिख रहा है। ठीक है, विकास आम जनता को दिख रहा है। इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं बाबू राम निशा जी, थोड़ा समय की कमी है, सुनील जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। एक मिनट, ये विकास के बारे में जब बात छेड़ेंगे तो विकास की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। ठीक है सुनील जी बाबूराम जी कह रहे हैं विकास पर बात करेंगे तो एक्सपोज हो जाएंगे कि उन्होंने तो कुछ किया नहीं, और जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं वो जनता के सामने है। बताइए जानबूझकर, देखिए मैं एक जानबूझकर हमारे धार्मिक ग्रंथ पर जिस तरीके का कृत्य कर रहे हैं, जवाब सुन लीजिए बाबूराम जी, जवाब सुनील जी कुछ कह रहे हैं, धार्मिक ग्रंथ के साथ इस तरीके की टिप्पणी करना ठीक नहीं है। अखिलेश यादव जी को और स्वामी प्रसाद जी को माफी मांगनी चाहिए। आप ही की बात पर जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए बाबूराम, सुनिए 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 जी बताइए। आहत करना ये ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की एक बात की तो प्रशंसा करूंगा, और जो प्रशंसा करनी चाहिए उसके लिए मैं करूंगा। भारतीय जनता पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो 9 साल से देश में बिना कोई निर्माण किए राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। ये बहुत खूबसूरत से ये लोग राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। पूरा देश लगभग बेच दिया है। एयरपोर्ट किसने बेचा? कांग्रेस ने बेचा। रेलवे किसने बेची? LIC किसने बेची? पोर्ट कौन बेच रहा है? अरे आप तो देश को बचाने आए थे, देश बेचने लगे, और आप उत्तर प्रदेश में विकास की बात कर रहे हैं। मैं माननीय सांसद जी आपसे कह रहा हूं, 5 नाम गिना दीजिए जो आपने काम किए हो 6 साल में। अभी उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है, इससे पहले भी सबमिट हुई है। अभी मैंने ठीक है सुनील जी, ठीक है, आखिरी प्रतिक्रिया मैं ले लेती हूँ। आखिरी प्रतिक्रिया अरुण जी से, अरुण जी बताइए, अरुण जी की आखिरी प्रतिक्रिया रहेगी प्लीज सर, समय की थोड़ी सी कमी है। अरुण जी गिना दिए आपको। देखिए जब बात हो रही है, श्री अखिलेश यादव जी हो चाहे बहन जी हो चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर की बात करते, उत्तर प्रदेश के अंदर विकास होता किसका? प्रदेश से बाहर है या तो जेल में है, कितना ही बजट बना और जो लूट मची हुई थी उत्तर प्रदेश में वो टोटल बंद है। ठीक है अभी ठीक है, ये पूरी डिबेट में आप लोगों ने विकास 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 किया, लेकिन जमीनी स्तर पर जो विपक्ष का काम होना चाहिए, जो सरकार का काम होना चाहिए विकास को लेकर, उत्थान को लेकर, वो नजर कहां आता है? सबसे बड़ा सवाल यही है। खैर आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए यूपी की राजनीति में जो आप ये मुद्दा देख रहे हैं रामचरितमानस का, आखिर इस पर विवाद कब खत्म होगा, ये कब थमेगा, यही सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि पिछले 11 दिन बीत चुके हैं लेकिन लगातार एक के बाद एक ट्वीट पोस्टर सामने आ रहे हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।